हम आपको चैलेंज नहीं कर रहे हैं, समझा रहे हैं। इनके रास्ते में रुकावट डालिएगा तो हम आपकी जिंदगी में रुकावट डाल देंगे। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ हर कोई काम करना चाहता है। वो बॉलीवुड के लिविंग लेजेंड है और अभी भी उनकी फैन फॉलोइंग बरकरार है। अमिताभ बच्चन ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत 1969 में साथ हिंदुस्तानी के साथ की थी और उन्होंने ढेरों बैक टू बैक फ्लॉप फिल्में दी थी, पर उनकी एक्टिंग में कोई कमी नहीं थी, इसलिए डायरेक्टर्स की नजर उन पर हमेशा बनी रही। और फिर 1973 में जंजीर आई और वो सबके फेवरेट बन गए। उन्होंने फिर हिट्स पे हिट्स दी और 1980s तक वो बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार बन गए। खैर, अब मुलाकात हो गई। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात माधुरी दीक्षित की करें तो उन्होंने बॉलीवुड में अपना डेब्यू 1984 की फिल्म अबोध के साथ किया था। माधुरी दीक्षित का बॉलीवुड करियर भी बिग बी की ही तरह स्टार्टिंग में फ्लॉप रहा था, पर फिर उनकी 1988 में आई फिल्म तेजाब ने सब कुछ बदल दिया। माधुरी ने उसके बाद बैक टू बैक हिट्स फिल्म दी और वो बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्ट्रेस बन गई थी। आप बैठिए वहाँ उस पर। और बॉलीवुड के दो सबसे बड़े एक्टर्स ने कभी भी साथ एक फिल्म में काम क्यों नहीं किया, ये बात आज भी बहुत से लोगों के जुबान पर है और इसका जवाब सब जानना चाहते हैं। दरअसल इसके पीछे एक वजह है माधुरी की बैक टू बैक फ्लॉप फिल्म्स। तेजाब के आने से पहले तक कोई भी एक्टर माधुरी दीक्षित के साथ काम नहीं करना चाहता था, पर फिर अनिल कपूर आए और उन्होंने माधुरी के साथ तेजाब फिल्म की जो कि एक सुपरहिट रही। और उसके बाद अनिल कपूर और माधुरी ने साथ में बेटा, परिंदा और हिफाजत जैसी हिट फिल्म्स दी, जिसके बाद फाइनली माधुरी को बिग बी के अपोजिट एक फिल्म ऑफर हुई, पर अनिल कपूर ने उनको फिल्म करने से मना कर दिया और इस तरह उन्होंने बिग बी के साथ कोई फिल्म नहीं की। हालांकि माधुरी ने बिग बी और गोविंदा की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां में मखना गाने में अपनी अपीयरेंस दी थी, पर वो सिर्फ एक गाना था और उसके अलावा ये दोनों आज तक किसी भी प्रोजेक्ट में साथ नजर नहीं आए हैं। हैरानी की बात यह है कि माधुरी ने उसके बाद अनिल कपूर के साथ भी काम नहीं किया और तब से जाकर अब माधुरी ने अनिल कपूर के साथ फिल्म टोटल धमाल में साथ काम किया। तो ये थी माधुरी के बिग बी के साथ ना काम करने की बड़ी वजह। क्या उस टाइम अनिल कपूर ने माधुरी से प्रॉमिस करवाया था कि वो कभी बिग बी के साथ काम नहीं करेंगी? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो फिर दोनों ने कभी साथ किसी फिल्म में काम क्यों नहीं किया? आपको क्या लगता है बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। और बॉलीवुड के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहें फिल्मी बाइट को।